Good morning, students. High secondary part 1. हम MS Word को discuss कर रहे हैं. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. शिक्षा ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके उपयोग से आप दुनिया को बदल सकते हैं. Students, आज हम table creation का जो last chapter हमने किया था, last topic किया था, उसी में टेबल क्रिएट कैसे टेबल क्रिएट करते हैं उसके आगे चलेंगे. मैं टेबल क्रिएशन को फिर से थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगा. फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, एक डेटा लेते हैं डिटेल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एचएसएस गांधी रामबन. आपको एक टेबल क्रिएट करना है. टेबल क्रिएट करने का माध्यम आपको बताया था, बहुत सारे ऑप्शंस हैं टेबल क्रिएट करने के लिए. आप इस तरह से भी टेबल को क्रिएट कर सकते थे, आप इंसर्ट करके भी कर सकते हो, आप ड्रा करके भी कर सकते हो. मोस्ट अप्रोप्रिएट हम ड्रा करके इंसर्ट करके ले रहे हैं. इंसर्ट में आपको सीरियल नंबर ले लिया, सीरियल नंबर के बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास, रोल नंबर और स्ट्रीम ले लिया. आपको जितना भी बढ़ाना हो आप टैब से आगे पीछे कर सकते थे. इस टैब बटन से आप जितने भी इसके रोज हैं उनको क्रिएट कर सकते हो. आपके पास ये कॉलम्स हैं, इनको एडजस्ट करने का माध्यम मैंने बताया था. इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो. आप स्टूडेंट का डेटा है जो आप इसको फिल करोगे. स्टूडेंट ये इस तरह से तो इजी है, जब आप करोगे तो आपको करते समय थोड़ी सी कठिनाई जरूर होगी. ये हम कुछ डिफरेंट ऑप्शंस जो पहले वाले यूज कर रहे हैं, मान लो हम अंडरलाइन और सेंटर कर लेते हैं इसको, टेबल बना रहे हैं, इसका आकार जो है अच्छा दिखेगा. अब इसके साथ ही जुड़ते हुए टॉपिक से कि मैंने आपको डिलीट, इंसर्ट और ये सब चीजें भी बता दी थी कि आपको अगर मान लो यहाँ पे कोई नई रो इंसर्ट करनी हो, नई रो इंसर्ट करनी हो तो नई रो इंसर्ट कैसे की जाती है. एक बच्चे का डेटा लिखा हुआ है हमने, वन राकेश, क्लास 12, रोल नंबर 14, स्ट्रीम आर्ट्स. तो आपको चाहिए कि मैंने फर्स्ट नंबर पे ही किसी और का करना था, तो आप क्या करेंगे इसमें एक इंसर्ट कर दे रो, इंसर्ट करके बिलो इसके नीचे आएगी. तो ऐसे ही डिलीट, इंसर्ट करना, कॉलम को क्रिएट करना, ये सब चीजें थी इसमें. बट कहीं पे आपको पेज ब्रेक देनी पड़ी या ब्लैंक, ये बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो इसके साथ ही जुड़ते हैं, जिसमें आपके पास डिफरेंट शेप्स हैं. मैं पहले ऑप्शन से आगे की ओर लूंगा. पहला है पेज कवर. आप देखिए पेज कवर, पेज कवर को मैं क्लिक कर रहा हूँ. पेज कवर से क्या होता है कि आपको कोई भी एनुअल मैगजीन्स बनानी है, कोई भी आपको डिफरेंट टाइप की डिसर्टेशन बनानी है, या कहीं पे आपको कोई टॉपिक लिखना पड़ रहा है, किसी की सिनॉप्सिस बनानी पड़ रही है, उसका फ्रंट पेज कैसा हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स बने होंगे. कोई भी एक मॉडल ले लो, कि मान लो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे आपके पास एक ब्लैंक पेज आ जाएगा. और एडिटिंग के लिए टाइप थी कंपनी नेम, यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना है तो आप कंपनी नेम लिख सकते हैं. मान लो मैं लिखता हूँ गवर्नमेंट HSS गांधी गांधी रामबन लिख दिया मैंने. उसके बाद टाइप दी डॉक्यूमेंट, डिटेल ऑफ स्टूडेंट, ऑफ 12th क्लास. आप देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, टाइटल को भी एडिट कर रहे हैं. टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट, सब टाइटल क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ आईपी. वेब ब्राउजर, विंडोज यूजर कौन है, ऑथर कौन है इसका. मान लो मैंने ये लिख दिया ऑथर इसका,
अब इसके बाद आपके पास एयर की डिटेल है, इस तरह से आपको अलग अलग एयर्स की डिटेल बनानी है 2000। आपको ऐड करना है टेक्स्ट। ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं फिर से दिखा रहा हूँ। राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आप इसको ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे तो ऐड लिया हुआ है, मान लो इसमें करना है तो आपको राइट क्लिक करना है और ऐड टेक्स्ट करना है। जब तक आप ऐड टेक्स्ट नहीं करोगे तो यहाँ पे आप लिख नहीं सकोगे मैं 2019, यहाँ पे 2018 ले लेता हूँ, 2018 19। यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करना पड़ा, ऐड करना पड़ा टेक्स्ट, ऐड करके 2020, फिर से ईयर लिखा हुआ है 2020 ले देते हैं। आप ईयर ले भी सकते हो, यहाँ से कैलेंडर डेट शीट सेलेक्ट कर सकते हो कौन सी डेट चाहिए आपको। ये एक फ्रंट पेज आपका डिजाइन हो रहा है जिसमें कंपनी का एड्रेस भी लिखा हुआ है। मैं लिख देता हूँ कंपनी का एड्रेस, इसको राइट क्लिक करके चेंज करना होगा आपको। आप वो ऐड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, और मैंने लिख दिया गवर्नमेंट HSS गांधी रामबन, ये एड्रेस भी आ गया। अब ये इसका फ्रंट पेज है, आपको फ्रंट पेज कैसे दिखेगा मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ। बहुत सारी जगहों पे हमें कुछ इनोवेटिव वर्क्स करने होते हैं, वहां पे ये काम आता है। आपको यहाँ से ये जो बार है इसको सिलेक्ट करके दिखेगा कि ये मेरा फर्स्ट फ्रंट पेज है जो डिजाइन हो रहा है। इस तरह से इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट, ये तो एक डेमो टाइप का मैंने आपको बता के दिया। आप इससे भी ज्यादा अच्छा मॉडिफाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको चेंज कर सकते हैं। ये प्रोस्पेक्टस का फ्रंट पेज होगा, जहां पे भी चेंजिंग आपको करनी होगी। तो टेबल के साथ साथ मैंने इस चीज का भी बता दिया आपको कि ये टेबल बना रहे हैं हम, लेकिन इससे पहले फ्रंट पेज का जो, अब इसको वापस ले जाओ आप। वापस लेने के बाद हम इंसर्ट में आ रहे हैं। इंसर्ट के बाद आपको ब्लैंक पेज इंसर्ट करवाना है, बीच में कोई ब्लैंक पेज चाहिए तो न्यू पेज इंसर्ट करने के लिए आप ब्लैंक पेज को इंसर्ट क्लिक करोगे तो आपका ब्लैंक पेज एक नया इंसर्ट हो जाएगा। पेज ब्रेक है, आपको पेज के बीच में कोई ब्रेक चाहिए। आप जैसे ही पेज ब्रेक को क्लिक करोगे तो देख रहे हैं कि जहां मेरा कर्सर पड़ा हुआ तो वहीं से पेज ब्रेक हो गई। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे STU के बाद था, लेकिन चलो मैं पेज ब्रेक के बाद लेना चाहूँ तो इससे क्या होगा, पेज ब्रेक करने से ये वो वाला पेज ऊपर रह गया, ये वाला पेज नीचे आ गया, वो वाला पेज डिफरेंट पेज रह गया, ये जो हेडिंग थी और जो टेबल था मेरा, टेबल नीचे आ गया है। मैं अंडू कर देता हूँ इसको फिर से, टेबल वाला तो कर ही चुके हो। अब पिक्चर वाला, पिक्चर्स में क्या होता है कि आपको डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स को इंसर्ट करवाना पड़ता है। मान लो आपकी कोई पिक्चर है यहाँ पे सिस्टम के अंदर, आप उस पिक्चर को अपने सिस्टम में ऐड करवाना चाहते हैं, तो ऐड करने के लिए आपको कोई पिक्चर, सेव्ड पिक्चर जो आपके पास होंगी उनको क्लिक करिए और क्लिक करके वहां से पिक्चर ले लीजिए। जो भी डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स होंगी, ये डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स हैं, इनमें से किसी भी एक पिक्चर को लिया जा सकता है। ये पिक्चर मैं इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, मैंने इंसर्ट कर दिया तो ये पिक्चर यहाँ पे आ गई। मैं इसको अंडू कर रहा हूँ फिर से क्योंकि मुझे पिक्चर चाहिए नहीं। मान लो आपको इंसर्ट करवानी हो तो आप इस तरह से पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो यहाँ पे एमएस वर्ड में। इंसर्ट के बाद आपके पास ऑप्शन था क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट इसमें इंस्टॉल्ड नहीं है क्योंकि जब आप एमएस वर्ड को इंस्टॉल करते हो तो क्लिप आर्ट फीचर्स को आपने लिया नहीं है। इसके बाद आपका शेप्स ऑप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा। डिफरेंट टाइप्स के, जब भी आपको डिफरेंट टाइप के आकार यूज करने हो, किसी टाइप की एडवर्टाइजमेंट बनानी हो, कोई नोटिस प्रिपेयर करना हो, तो तब ये बहुत ज्यादा हमें इम्पोर्टेंस रहती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी चीज को ओवल्स में लिखना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑफर, देखना कि आप ऐड किया, मैंने क्लिक किया करके OFFER ऑफर, किसी चीज की कोई ऑफर है 100% फ्री, मैंने 100% फ्री कर दिया। तो इसको ज्यादा डेकोरेटिव बनाने के लिए आपको थोड़ा बोल्ड भी कर देना है, सेंटर कर दो, कलर दे दो, और ये चीजें ऊपर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किसी भी एडवर्टाइजमेंट में, किसी भी नोटिस प्रिपरेशन में ये चीजें बहुत ज्यादा सुविधाजनक होती हैं। इससे होता क्या है कि आपका जो कंटेंट है बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाता है,
डिफरेंट टाइप की एडवर्टाइजमेंट आप न्यूज़पेपर पे देख रहे हैं, किसी स्कूल की एड है, कहीं पे किसी एडमिशन की एड है, किसी कंपनी ने कोई ऑफर दिया हुआ है। तो इस तरह के ये जो डिफरेंट टाइप्स के शेप्स होते हैं यूज किए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए। कितना वंडरफुल लग जाएगा, जो भी लुक आपको चाहिए, जिस तरह का लुक चाहिए वैसा ही रोटेट करना है इसको, आपको डिफरेंट टाइप्स की शेप्स करनी है, इंटरनल कलर करना है, अलाइनमेंट करनी है, आपको टेक्स्ट रैप करना है इसमें, रोटेट करना है, जो भी चीजें आपको करनी है वो सब चीजें आप इसमें कर सकते हो। आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको रोटेट जहाँ भी करना चाहोगे, जिस भी आकार में करना चाहोगे वैसा ही रोटेट हो जाएगा। मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, वापस ला रहा हूँ वहां पे, तो एक शेप मैंने ली है अभी। तो इसके बाद आपके पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की शेप्स हैं जिनको यूज किया जाता है। ये देखो, ये वाली शेप, इसके अंदर भी आप लिखना चाहो, इसके अंदर भी आप लिखना चाहो। मान लो मैं लिखना चाहूंगा एडमिशन, तो मैंने एडमिशन लिख दिया है। एडमिशन लिखते ही ये आ गया आपका, आप इस एडमिशन को नीचे भी ले आ सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, आप इसको कलर दे सकते हो, डिफरेंट टाइप का मैंने कलर भी दे दिया, और पूरे को कलर दे दो, टेक्स्ट को अलग से कलर दे दो, जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको अलग कलर दे दो। आप देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ये। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप की एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारे शेप्स आपके सामने यहाँ पे रहेंगे। इन शेप्स में से किसी भी एक शेप को लेके एरोज का इस्तेमाल करना है आपको। ये एरोज है, इन एरोज को इस्तेमाल कर सकते हो, इन एरोज में फिल भी कर सकते हो, कलर भी फिल कर सकते हो। मैं इंसर्ट करके दूसरी कोई शेप लेके दिखा रहा हूँ आपको, ये इस तरह की शेप ले ली मैंने, ये वाली शेप ले लो, इसको भी फिल कर दो कलर। आप इंसर्ट करके इन शेप्स में जाके, ये और भी बहुत अच्छी अच्छी शेप्स हैं, इन शेप्स को यूज कर रहे हैं। आप इस शेप को उठा के कहीं साइड पे ले सकते हो, यहाँ पे इसका कलर कर सकते हो। तो इंसर्ट में आपको बहुत सारी शेप्स मिलेंगी, जिन शेप्स को आपको किसी भी जगह पे यूज करना होगा, तो ये यूज करने के लिए आपके डिफरेंट टाइप्स के नोट्स बनते हैं, नोटिस बनते हैं, पंपलेट्स बनते हैं। पंपलेट्स भी आपको दिखते होंगे, किसी चीज की भी कोई एडवर्टाइजमेंट हो रही है तो एडवर्टाइजमेंट में फ्री कहीं पे लिखना है आपको, कोई भी ऐसी डिफरेंट टाइप के आप इसको फॉन्ट्स भी यूज कर सकते हो, किसी भी किस्म का फॉन्ट कर लो तो फॉन्ट हो जाएगा, इसका साइज भी बड़ा कर सकते हो। तो मैंने एक डिफरेंट टाइप का कलर ले लिया है, और इसका फॉन्ट यूज करना चाहो तो आप डिफरेंट टाइप के यहाँ से फॉन्ट्स ले लो, जो भी फॉन्ट आपको चाहिए। मैंने डिफरेंट फॉन्ट ले लिया, ये फॉन्ट लेना चाहता हूँ मैं, तो इसका साइज बड़ा छोटा करना है, जो भी करना है, सेंटर करना है इसको, ये सब चीजें इसी में होंगी। स्टूडेंट्स, आज आपने अभी इस वाले लेसन में यही देखा है कि आपको टेबल्स कैसे क्रिएट करना है, उसमें टेबल्स में पूरा तरह वर्क कैसे करना होगा आपका, उसका फ्रंट पेज कैसे डिजाइन करना होगा। आप देख रहे हैं कि फ्रंट पेज को डिजाइन करने में किसी भी मैगजीन्स का, किसी भी प्रोस्पेक्टस का जो फ्रंट पेज है, डिजाइन करने में बहुत ही सुविधा मिलती है इससे। और डिफरेंट टाइप्स की जो शेप्स हैं आप कैसे यूज कर सकते हो, उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, उनके साथ वर्क करने में क्या दिक्कत आएगी आपको, ये सब चीजें हमने डिस्कस करी है। नेक्स्ट लेसन में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।